हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग रिसाइकल बिन को कैसे देख सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको रिसाइकल बिन को देखना है, तो रिसाइकल बिन क्या होता है गाइस, जो भी फ़ोटो वीडियो आप लोग डिलीट करते हो गैलरी में या फाइल मैनेजर से, तो आपको जो भी डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ और वीडियोस होते हैं गाइस, वो रिसाइकल बिन में जो है 30 दिन के लिए रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों को रिसाइकल बिन को देखना है कौन कौन सा फ़ोटो वीडियो आपने डिलीट किया है या आपको कुछ फ़ोटो वीडियो रिकवर करना है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में रिसाइकल बिन को देख सकते हो, कैसे फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसाइकल बिन को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने गैलरी को ओपन कर लेना है और मान लीजिए आपने यहाँ पर से कुछ फ़ोटो को डिलीट किया था, तो कैसे आप लोग इसको वापस लाएंगे। तो डिलीट कर दिया मैंने एक फ़ोटो को, उसके बाद नीचे देख सकते हैं 3 लाइन का ऑप्शन होगा, 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइकल बिन का, तो इस रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर से आप लोग जो डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ और तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फ़ोटो है गाइस 30 दिन तक यहाँ पर ही रहेंगे। रिकवर करने तो फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, रिस्टोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो ये रिसाइकल बिन में फ़ोटो था वो आपके गैलरी में वापस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑन करना है अपने फाइल को और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको रिसाइकल बिन मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ को जो है यहाँ पर से रिकवर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग रिसाइकल बिन को देख सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं गल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।